कैसे हैं आप सभी? सभी लोग अच्छे हैं? सभी लोग अपना अपना क्लास कर रहे हैं ना कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। मैंने आप सबको यहाँ तक तो पढ़ा दिया था और इसका एक्सरसाइज भी करा दिया था, है ना? तो आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है? लेसन 8 पढ़ना है। क्या है इसमें? यूज ऑफ एस एंड नो, हाँ और ना में हमको क्या देना है? आंसर देना है। ठीक है, देखिए आंसर यस और नो, कहाँ पे हमको यस बर्न फिल करना है और कहाँ पे नो करना है। ठीक है, कैन अ कैट रन, क्या बिल्ली दौड़ सकती है? तो बिल्ली दौड़ सकती है तो यहाँ क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। ऐसे ही इट इज इट बैड टू हिट अ डॉग, कुत्ते को मारना बुरा काम है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा, कुत्ते को नहीं मारना चाहिए। इज इट फन टू गेट वेट, गीला होने में मजा आता है? तो यहाँ पे नो हो जाएगा, गीला होने में मजा नहीं आता है ना। कैन मम हग, मम्मी को गले लगना चाहिए? तो यहाँ पे यस हो जाएगा। ठीक है, इज अ पिग रेड, क्या सुअर लाल होता है? लाल नहीं होता है, वो व्हाइट और ब्राउन होता है। तो यहाँ पे नो लिख देंगे। कैन अ पिन फिट इन अ टिन, क्या एक पिन टिन में फिट हो सकता है? तो नहीं हो सकता। ठीक है, आई बात समझ में? ये क्या था? यस आर नो था, इसे करिएगा। और यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 पे क्या है? अपोजिट है। अपोजिट मीन्स क्या होता है? विलोम होता है या उल्टा होता है। ठीक है, विलोम या उल्टा। तो बड़ा है ना बिग, तो बिग का अपोजिट स्मॉल हो जाएगा। स्मॉल मीन्स छोटा होता है। अप मीन्स क्या होता है? ऊपर होता है। और डाउन मीन्स क्या होता है? नीचे, ऊपर का नीचे हो जाएगा। ओपन मीन्स क्या होता है? खुला। और क्लोज मीन्स क्या होता है? बंद। तो ओपन का अपोजिट क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। इधर देखिए, हॉट है ना, हॉट मीन्स क्या होता है? गरम। हॉट मीन्स गरम। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कोल्ड हो जाएगा। कोल्ड मीन्स ठंडा होता है। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पे हैप्पी है ना, हैप्पी मीन्स खुश होता है। और खुश का अपोजिट यानी उल्टा दुखी, खुश दुखी। फैट मीन्स मोटा होता है। और मोटा का अपोजिट क्या हो जाएगा? थीन। जब मोटा है तो पतला हो जाएगा, थिन। टॉल मीन्स लंबा होता है। और शॉर्ट मीन्स छोटा होता है। तो टॉल का अपोजिट शॉर्ट हो जाएगा। फास्ट मीन्स तेज होता है। और स्लो मीन्स क्या होता है? धीमा। तो फास्ट का अपोजिट स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप सबको समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ गया है तो इसे आप लोग करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।